रामपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में विकसित भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने लाइव के माध्यम से बच्चों को संबोधित किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के तहत छात्र व छात्राओं को संबोधित किया है, क्योंकि देश का युवा सबसे अधिक विश्वविद्यालय में है। भारत को विकसित करने में उनका क्या सुझाव है, हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे और इनपुट देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और कहा है कि छात्र मोबाइल से बाहर निकलकर बाहर आएं और दुनिया की वास्तविकता को समझें, देश के विकास में अपना सुझाव दें। इस दिशा में गोरखपुर विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। हम लोग कार्यक्रम कराएंगे और सुझाव लेंगे, जो कि देश को विकसित करने में अहम है। युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरी ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, उनके करियर को यही 25 साल तय करने वाले। यही युवा नए परिवार बनाने वाले, नया समाज बनाने वाले। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहता है। युवाओं के साथ सबसे ज्यादा संपर्क है, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोडमैप पर चलना, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय, देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी स्तर, सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैलेंज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक, ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर आप सभी को इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते, मिलकर के बना सकते। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है, नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षक जगत की इंस्टीट्यूशन के हाथ में है और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का काल है। उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, बहुत अच्छी पहल है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की और नीति आयोग के सहयोग से। देखिए, देश का युवा अगर है तो सबसे अधिक विश्वविद्यालयों में है, और विकसित भारत को विकसित करने में उनके क्या सुझाव हैं, इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम करेंगे और हम लोग इनपुट देंगे और इस दिशा में पूरा आगे बढ़ेंगे उनके साथ, हाथ में हाथ मिला के विश्वविद्यालय भी। प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए कई अहम बातें बोली हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करें, देश आगे बढ़े। बहुत बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं छात्रों से कि मोबाइल से बाहर भी निकल कर आएँ और जो दुनिया की हकीकत है या वास्तविकता है उसमें भी, उसको भी समझें और देश के विकास में अपना योगदान दें, सुझाव दें, और इस दिशा में विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभाएगा। हम लोग विभागीय स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम कराएंगे जिससे कुछ अच्छे सुझाव निकल के आएँ और कुछ अच्छी पहल हो हमारे विश्वविद्यालय की ओर से भी, जो देश को विकसित करने के लिए बहुत अहम है।